हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाल दी है May 21 के लिए, तो SCMP की आरटीपी किस तरह से नज़र आती है उसके ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो आरटीपी May 21 में एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे कि नए क्वेश्चंस लेके आएगा इंस्टीट्यूट, बट केस स्टडी डाइजेस्ट में इतने सारे नए क्वेश्चंस लाने के बाद भी इंस्टीट्यूट के पास में कुछ मटेरियल अभी अवेलेबल है, तो उन्होंने कुछ आरटीपी May 21 में निकाला है। हो सकता है वो MTP में और नए क्वेश्चंस निकाले, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मुझे अभी भी लगता है कि शायद MTP में नए क्वेश्चन शायद ना दिखाई दे। बट क्वेश्चन पेपर की जब हम बात करते हैं तो फिर मुझे वापस से एक हिंट जो अभी तक का पैटर्न रहा है उससे मिलती है कि शायद एक दो क्वेश्चंस या फिर एक कोई पर्टिकुलर पार्ट, ऐसे करके आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चंस शायद आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे या फिर थोड़े से कनेक्टेड दिखाई दे फ्रॉम द क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी बीन सीन बाय यू। तो इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी क्वेश्चंस अभी तक निकाल चुका है, जो आपके पास में अवेलेबल है, वहां से कुछ ना कुछ कनेक्टेड आपके पास में 2-3 पार्ट्स तक शायद आ जाए और उसके बाद में फिर शायद नए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो इंस्टीट्यूट ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है इस सब्जेक्ट के लिए। हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को समझें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करके बताएं। सो ये इंस्टीट्यूट चाहता है आप सभी से, तो अपना जो माइंडसेट रहता है ना हमेशा कि सर क्वेश्चन रिपीट हो जाए किसी तरह से, कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन दिख जाए, देखा हुआ क्वेश्चन दिख गया तो हम लोग स्कोर कर देंगे, तो ऐसा जो माइंडसेट है उसको थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो रिपीटेड क्वेश्चन में भी स्कोर नहीं कर पा रहे, ये November 20 के अटेम्प्ट ने साफ बता दिया है। उसके बाद में जो नए क्वेश्चन आ रहा है, जितने नए क्वेश्चंस निकाले उसके बेसिस पर तो यही लगता है कि शायद अब एग्जाम में भी नए क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो हमें समझ में आ चुका है, और मैं ये रिपीटेडली शुरुआत से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तभी से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो और अप्लाई करो। ठीक है, सो शुरू करते हैं आरटीपी May 21 के साथ में। आरटीपी May 21 के अंदर भी कुछ नए क्वेश्चंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके अलावा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खास ध्यान दिया है। ओके, सो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 2 नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, वो हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस के साथ में ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 2 क्वेश्चंस और 3rd क्वेश्चन का एक पार्ट इंस्टीट्यूट ने डिवोट कर दिया है। सो प्रोबेबली सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज द वे टू गो। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर शायद आपको जो नया टॉपिक इसके अंदर ही ऐड किया है, आरटीपी के थ्रू ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उसके ऊपर शायद आपको क्वेश्चन दिख जाए। ओके, सो ध्यान देने वाला है, इंटरेस्टिंग है, ईजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट उसको ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू आरटीपी May 21 का कंप्लीट डिस्कशन, शुरुआत करने के पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखने के पहले या फिर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं और आपने सिर्फ इतना सा पार्ट सुना हो मेरे वीडियो से, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये इंसिस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी वीडियो देखने के पहले एक बार ये सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, जिससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। आई हैव बिन फोकसिंग ऑन सेल्फ इवैल्यूएशन सिंस द बिगिनिंग। मैं आप यही कहता आ रहा हूँ सभी लोगों से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन SCMPE, कि आप सेल्फ इवैल्यूएट करके देखें कि आपके और इंस्टीट्यूट के आंसर में कितना गैप है और उस गैप को कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दिस गोज़ फॉर SCMPE एज वेल एज फॉर अदर सब्जेक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करें और फिर इम्प्रूव भी करें। जो हम लोग SCMPE में पढ़ते हैं वो अपने पढ़ाई के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार इस आरटीपी को खुद से सॉल्व करके देखिए। देयर आर 11 क्वेश्चंस, तो ये 11 क्वेश्चन का जो सेट है आपको ट्राई करना चाहिए 3.5 आवर्स में कंप्लीट करने का। ठीक है, इससे एक तो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो ही जाएगा जैसा मैंने ऑलरेडी कह दिया आपसे, उसके अलावा आपका स्पीड भी इंक्रीज होने का आपको दिखाई देगा, क्योंकि 11 क्वेश्चंस है, सारे पार्ट्स जितने होते हैं एक पेपर में उतने मिला के अप्रॉक्सीमेटली कुछ इतने ही बनते हैं। मैं चाहूंगा कि आप 3.5 आवर्स में इसको ट्राई करें सॉल्व करने का। ओके, देयर इज 1 केस स्टडी इन दिस आरटीपी जो कि रिपीटेड है फ्रॉम द केस स्टडी डाइजेस्ट। सो मैं यहां पर लिख देता हूं कि दिस इज अ रिपीट इस केस स्टडी के अंदर क्या दिया हुआ है मैं ऊपर से समझा रहा हूँ, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं।
दिस विल बी डिस्कस्ड अलॉन्ग विद ऑल द केस स्टडीज ऑफ द केस स्टडी डाइजेस्ट. बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ऊपर ऊपर से क्या क्या दिया हुआ है. सो दिस केस स्टडी इज फ्रॉम द टॉपिक पोर्टर्स फाइव फोर्सेज मॉडल. इस केस स्टडी के अंदर इन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी की बात की है. सो दैट इज अ कंपनी कॉल्ड सेफ एंड वाइज एडवाइजरी लिमिटेड, जो कि बेसिकली इंश्योरेंस एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस हैं, और वो इंश्योरेंस स्कीम्स और पॉलिसीज सेल करते हैं. ठीक है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द बिजनेस. दे हैव अनदर डिविजन जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी में डील करता है. सो दे हैव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और वो लोग एडवाइज करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो. देयर मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम द अनदर डिविजन, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है. इंश्योरेंस से मेजर इनकम नहीं आती है, बट इंश्योरेंस के ऊपर बात की गई है इस केस स्टडी के अंदर. सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर. वहां पर उनका कहना है कि उनके पास में अलग अलग कंपनीज के पॉलिसी सेल करने का ऑप्शन है. सो ये जो एजेंसी खोल के बैठे हैं, इसमें इनके पास में अप्रोक्सीमेटली जो नंबर मुझे याद आता है वो 23 है. दे हैव 23 कंपनीज और ये कंपनी की पॉलिसी ये लोग सेल कर सकते हैं. तो इनका कहना है कि हम लोग अनबायस्ड है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सेल करेंगे. वहीं पर कंपटीशन में जो कंपनीज खुद हैं, जो खुद से अपना पॉलिसी सेल करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुद का पॉलिसी ही बताएगा, दूसरी कंपनीज का पॉलिसी वो डेफिनेटली नहीं बताएगा. सो यहाँ पर एडवांटेज मिलता है, कुछ इस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. इस केस स्टडी के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड हैं जो कि सेफ एंड वाइज एडवाइजरी लिमिटेड फेस कर रहा है, और उसके बेसिस पर हमें पोर्टर्स फाइव फोर्सेज मॉडल को अप्लाई करना है. ओके, तो कुछ इस तरह से ये पूरा केस स्टडी दिखाई देगा. इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करने वाले हैं. लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस आरटीपी, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ फ्रॉम ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस ओईई. टीपीएम का कैलकुलेशन होता है इसके अंदर. ओके, दिस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर. तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो ओईई इज इक्वल्स टू अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको लग रहा होगा कि सर ओईई के अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं वो तो एक ही तरह से चलते आ रहे हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन खत्म हो जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके ऊपर कॉमेंट करना होता है, राइट? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो. बट इस क्वेश्चन के अंदर जो नई चीज़ है वो ये है कि यू स्टिल हैव टू यूज़ द फॉर्मूला, बट अब आपको फॉर्मूले का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बैक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. सो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, ओईई कैलकुलेट करने के लिए आपको नहीं कह रहे. इनफैक्ट दे हैव गिवन द रेट ऑफ ओईई विच इज 93.555%. तो इन्होंने ऑलरेडी ओईई दे के रखा है. अब हमें बताया गया है कुछ चीज़ें और उसके बाद में बोला है कि अब आप बैक कैलकुलेशन करके सॉल्व करके बताओ. ओके, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द फैक्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन. क्या क्या हमें यूज़ करना है उसको एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले ओई बता दिया इन्होंने 93.555. उसके बाद में हमें बताया, अच्छा दिस इज़ फॉर द मशीन 107 10 mm बेयरिंग एंड इट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर. सो ये जो है वो बॉटलनेक एक्टिविटी बन जाती है ड्यूरिंग अ नॉर्मल शिफ्ट. और उसके बाद में बताया हाई परफॉर्मेंस रेट ऑफ 105%. सो अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी, इसमें से परफॉर्मेंस हमें पता चल गया 105% है. देन दे हैव अ नॉर्मल शिफ्ट ऑफ 9 hours. ओके, वर्कर्स आर अलाउड टू टेक 2 short breaks ऑफ 15 minutes ईच. तो ये हो जाता है आपका 30 minutes एंड अ लंच ब्रेक ऑफ 30 minutes, तो प्लस 30 ये हो जाता है 60. ड्यूरिंग सच अ नॉर्मल शिफ्ट आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर 27216 बैरिंग बॉल्स. तो इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 27216 बैरिंग बॉल्स का, एंड आउट ऑफ दिस ओनली 272 बॉल्स आर फाउंड डिफेक्टिव. ओके, सो इससे हम लोग क्वालिटी कैलकुलेट करेंगे. परफॉर्मेंस दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी निकालना पड़ेगा. डिटरमाइन द अनप्लान्ड डाउन टाइम कैलकुलेट करना है. सो ये 60 के अलावा अनप्लान्ड डाउन टाइम भी है, हमें वो कैलकुलेट करना है. सो वी वुड रिक्वायर ओईई, परफॉर्मेंस रेट, उसके अलावा क्वालिटी हमें निकालना है, और हमारे पास में अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेटा है और कुछ हमें निकालना है. विटनेस बाय 107 10 mm बेयरिंग एंड एडवाइस करना पड़ेगा मिस्टर सियाल को बेस्ट वे आउट टू रिड्यूस द सेम. और ब्रीफ में करना है, इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर बात करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. मेजर द आइडियल साइकिल टाइम टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल बैरिंग बॉल. तो हमें बताया गया है कि हम लोग जो शिफ्ट है उसमें जितने भी आज यूज करके हम लोग बना रहे, तो 27,216 बैरिंग बॉल्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है.
व्हाट इज द आइडियल साइकिल टाइम, स्टैंडर्ड निकालना है, ठीक है। सो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन द थर्ड पार्ट गोल्ड रैट्स 5 स्टेप्स हमें निकालना है टू रिमूव द बॉटल नेक। ओके, तो इसमें आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं करना है गोल्ड रैट के 5 स्टेप मॉडल को, यहाँ पर आपको लिंक करना पड़ेगा कि कैसे आप रिमूव करोगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, अब इसमें से हमें 105 दिया हुआ है ऑलरेडी, ये 93.555 दिया हुआ है, इसे मैं एक्स ले रहा हूँ। और क्वालिटी हम लोग निकाल सकते हैं, सो 27216 बनाया, उसमें से 272 इज डिफेक्टिव, तो क्वालिटी निकल जाएगा। राइट, लेट्स सॉल्व फॉर x, तो कैलकुलेशन करते हैं, यूज योर कैलकुलेटर्स, मैं भी इधर सॉल्व करता हूँ। सो दिस क्वालिटी इज कमिंग एज 99%, ठीक है। सो मैं इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पर 99% कर देता हूँ। अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा। तो ये मेरा आता है 89.999%, सो आई एम टेकिंग इट एज 90%, राइट। तो मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो आ चुका है 90%, बट हमें अवेलेबिलिटी रेशियो नहीं निकालना है, हमें निकालना है अनप्लान्ड डाउन टाइम। अब अगर मेरे पास में 9 आवर का शिफ्ट है, यानी कि मेरे पास में 540 मिनट्स हैं, इसमें से मेरे 60 मिनट्स चले गए, राइट। तो ये मेरा आता है 480 मिनट्स। अब इस 480 मिनट्स में से कुछ तो अनप्लान डाउन टाइम का होगा, और ये अनप्लान डाउन टाइम को मैंने लिया है x, ठीक है। सो दिस विल गिव मी 480 माइनस x। अब मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो है 480 माइनस x अपॉन 480 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 90%। तो ये x मैं कैलकुलेट करूंगा, ये एक्स मेरा आता है 48। ऑलराइट, तो मैं ये भी निकाल देता हूँ जस्ट फॉर द पर्पस, 432 ये आ जाता है, ठीक है। सो 48 मिनट्स का मेरा अनप्लान्ड डाउन टाइम आ गया। आई कैलकुलेटेड दिस, ये मेरा आंसर हो गया फाइनल, ये सारा अपना वर्किंग में चल रहा था। ओके, और उसके बाद में हमें बताना है एडवाइस करके कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू एलिमिनेट द सेम और रिड्यूस द सेम। तो बेस्ट वे क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड डाउन टाइम हो रहा है क्योंकि आपका मशीन ये तो बिगड़ रहा है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको ऑलरेडी याद नहीं आ रहा है तो आप एक बार बहुत अच्छे से पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, बिकॉज ये आपके दिमाग में एकदम इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए, राइट। दैट इज TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। हम लोग इनफैक्ट OEE कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बहुत लॉजिकल है कि TPM से रिलेशन होना चाहिए था, राइट। सो TPM हम लोग यूज करेंगे जिसकी वजह से हमारा अनप्लान डाउन टाइम रिड्यूस हो सकता है। ऑलराइट, उसके अलावा अगर कुछ और रीजन था तो उसके लिए हम लोग 5S वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि काइजन कॉस्टिंग भी धीरे धीरे बाद में अप्लाई करते जाएं, जिसकी वजह से और फर्दर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, बट इनिशियली आई वुड गो फॉर स्ट्रेट अवे TPM। TPM से मेरा अनप्लान डाउन टाइम एलिमिनेट होने का चांस होता है। उसके बाद में सेकेंड पार्ट में पूछा है मेजर द आइडियल साइकिल टाइम टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल बेयरिंग बॉल। ऑलराइट, तो सबसे पहले आइडियल साइकिल टाइम कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए कि हमने 27216 बॉल्स बनाए इन 432 मिनट्स, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, राइट। सो ये मेरा आता है 63। अब अगर मैं 63 बॉल्स बना रहा हूँ एक मिनट में, ठीक है, ये मैंने क्या किया 63 बॉल्स पर मिनट, ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। Now, it has been given that my performance rate is 105%. So, this performance should be 105% of the normal. ठीक है? तो मुझे normal calculate करना होगा. So, normal calculate करने के लिए 63 divided by 105%. This will give me 60 balls.
पर मिनट, ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड। ऑलराइट, अब आइडियल निकालना है एक बॉल का, तो यही है स्टैंडर्ड, ये 60 बॉल्स पर मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक बॉल बनाने के लिए मुझे लगता है एक सेकंड। ऑलराइट, दिस इज माय आंसर। सो ये मेरा पूरा वर्किंग था और मैंने मेजर कर लिया, दिस इज 1 सेकंड। इसके बाद में आते हैं थर्ड पार्ट पे जो कि थियोरेटिकल है। इसमें गोल्ड राइट 5 स्टेप मॉडल हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कीजिए। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई, जहाँ पर हम लोग अपनी बॉटलनेक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हमने इसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, विच इज़ योर मशीन 107 10 mm बेयरिंग। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि क्या बॉटलनेक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑलराइट, सो वी गोइंग टू एक्सप्लॉइट इट, जिसमें हम लोग उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, जितना टाइम अवेलेबल है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे रिलेट करने के लिए ये लिख सकते हैं कि बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी है। और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया कि 48 जो है हमारा अनप्लैंड डाउन टाइम है, तो अनप्लैंड डाउन टाइम को मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से मेरा अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस, जितना मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो ज़्यादा रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से, उतना ही ज़्यादा मैं अपने मशीन को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो मेरा जो अवेलेबिलिटी रेशियो है वो ही डिटरमाइन करता है कि मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ इस बॉटलनेक एक्टिविटी को। ऑलराइट, तो मुझे उसके बारे में लिखना होगा। सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी रेशियो एंड अल्टीमेटली इंक्रीज माय ओईई टू इंश्योर कि मैं एक्सप्लॉइट कर पा रहा हूँ इस बॉटलनेक एक्टिविटी को। थर्ड पार्ट इज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट किसको किया जाता है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ को, यानी कि नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ को सबऑर्डिनेट किया जाता है टू द बॉटलनेक एक्टिविटी। यानी कि हम लोग नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी का फंक्शनिंग ठीक उसी तरह से करेंगे जिस तरह से बॉटलनेक एक्टिविटी का फंक्शनिंग हो रहा है। राइट, सो नाउ दिस इज द रीज़न इज कि जितना मैं बॉटलनेक की वजह से बना पाऊंगा उससे ज़्यादा मैं अल्टीमेटली नहीं बना सकता। तो मेरा नॉन बॉटलनेक कितना भी बना दे, अल्टीमेटली हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू व्हाट माय बॉटलनेक एक्टिविटी अलाउस। तो इस वजह से हम लोग सबऑर्डिनेट करते हैं। फोर्थ इज एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कि अब हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस बॉटलनेक एक्टिविटी को। ठीक है, उसमें से बॉटलनेक को हटाना है। ओके, ये कैसे किया जा सकता है, तो हमारे केस में या तो हम नई मशीन लेके आ सकते हैं जो कि बॉटलनेक क्रिएट ना करे, विच वुड रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा हम लोग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे जो हम मेंशन कर सकते हैं रिलेशन टू द केस, जहाँ पर हम लोग ये मेंशन करेंगे कि इस तरह से हम लोग बॉटलनेक को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट के एंड में आप ये लिख सकते हो कि कितना भी हम लोग बॉटलनेक को एलिमिनेट करते जाएं, एक बॉटलनेक को हटाएंगे तो कोई दूसरी एक्टिविटी इमर्ज हो जाएगी एज अ बॉटलनेक एक्टिविटी। सो द फिफ्थ पॉइंट इज रिपीट, यानी कि यहाँ पर हम लोग अपने पूरे प्रोसेस को स्ट्रेट अवे फ्रॉम पॉइंट वन वापस से रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से अब जो नया बॉटलनेक हुआ है उसको भी हमें फिर से यही चीज़ें करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये 5 स्टेप्स हैं और हमने अप्लाई कर दिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बताया शीतल पेपर मार्ट के बारे में, जिसे हम बोलेंगे SPM, और ये बहुत सारे तरह के पेपर्स बना रहे हैं, इसके बारे में बता दिया। उसके बाद में दे हैव अ क्रॉस फंक्शनल टीम, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू इम्प्रूव द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इमेज ऑफ SPM एज इको फ्रेंडली एंटरप्राइज एंड कंट्रोल एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो हमें एक तो अपनी इमेज सुधारनी है, कैसी रखनी है, इको फ्रेंडली एंटरप्राइज। सेकेंडली हमें अपना एनवायरमेंटल कॉस्ट भी रिड्यूस करना होगा। ओके, अब हमें इसके लिए क्या करना है, इन्होंने 2 पीरियड्स का डेटा लिया है। पीरियड कितना है इसका, सो 1 फिस्कल ईयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हाफ्स, हाफ 1 हाफ 2। ठीक है, सो आधा आधा साल बांट दिया। अब इसको करने का रीज़न ये था कि इसके रिलेटेड बहुत सारा कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, डिस्पोजिंग ऑफ द टॉक्सिक मटीरियल कॉस्ट ₹1.2 crores टू SPM इन H2 विच इज 20% लेसर देन दैट वॉज स्पेंड ड्यूरिंग H1। तो H1 में X किया था, X माइनस 20% करके आता है 1.2 CR। ठीक है, यानी कि 0.8x अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर पा रहे हो
तो फिर आप मेरे पेस के साथ में मैच कर पाओगे, अदरवाइज जस्ट टेक अ पैड उसमें आप लिखते जाइए। तो x अगर मेरा h1 का है उसमें से मुझे 20% माइनस करना है, राइट? सो 0.8x इज इक्वल्स टू 1.2 cr, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5 cr। ऑलराइट, तो मैंने h1 भी निकाल लिया। कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी मैटर्स ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन SPM हैज डिपार्टमेंटल बजट ऑफ 6 lakhs पर एनम, ठीक है, ये पर एनम पे ध्यान दीजिएगा। In H1, the utilization rate was 80%. H2, it was 110%. तो सबसे पहले मुझे इसको divide करना चाहिए दो parts में, तो मैं कुछ information नहीं दिया हुआ इसलिए equally divide कर दूंगा 3 and 3, but फिर बताया कि utilization कितना है 80% in H1, तो 3 lakhs multiplied by 80%, this will give me 2.4 lakhs, okay? और इधर कितना है 110%, तो ये आ जाएगा आपका 3 into 110%, 3.3 lakhs। उसके बाद में बताया एनवायरमेंटल ऑडिट्स अर्लियर यूज्ड टू कंडक्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, यानी कि H1 में एक होनी चाहिए थी, H2 में भी एक होनी चाहिए थी, बट मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी टू क्वार्टर ईच इन द मिड ऑफ सच ईयर, यानी कि 1 fiscal year है, इसमें H1, इसमें H2, H1 पे एक होनी चाहिए थी, H1 हो गया, उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्वार्टर बेसिस पे चले जाएंगे, तो इसके अंदर 2 quarter निकाल दिए, इसके अंदर भी एक हुई, इसके अंदर भी एक हुई, ऑलराइट, तो H1 में एक हुई और H2 में 2 हो गए। इसके कॉस्ट देखते हैं, ईच सच ऑडिट कॉस्ट ₹8 lakhs टू SPM, तो इधर तो आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 8, तो ये टोटल मिला के 16, ओके। इसके बाद में इन द H2 SPM extends the production capacity and installed the new plant and machinery which has put to use cost of 77.25 crores। तो put to use क्या है कि मुझे जो सब करना था खरीदने के बाद भी वो सब भी हो चुका है, now I just have to use it। तो use करने के पहले जो सब required होता है, basically installation, erection, वो सारी चीज़ें जो होती है machine से related, और उसके अलावा उसका ड्राई रन होता है, तो पुट टू यूज कॉस्ट वो सारी इनकर हो चुकी है, अल्टीमेटली आई 77.25 crores पे। दिस इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ द प्लांट एंड मशीन ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। तो वी हैव इन्वेस्टेड इन अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, उसके प्रीमियम वर्जन पे किया है, क्यों? क्योंकि हमें रिड्यूस करना था जनरेशन ऑफ वेस्ट, ओके। इसके बाद में बताया इरेक्शन एंड अदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्राई रन वर 65 lakhs, तो 65 lakhs उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, एंड द सेम फॉर ऑल वर्जन्स। द स्टैंडर्ड वर्जन हैज ऑन बोर्ड कॉस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मशीन खरीदने की कॉस्ट क्या है, 76.20 cr, ओके। ये भी अगर हमें पुट टू यूज बताई होती तो 76.20 में से भी 65 lakhs माइनस करने पड़ते जस्ट टू कंपेयर बोथ, ठीक है, और 65 ही क्यों माइनस करने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर बताया एंड द सेम फॉर ऑल वर्जन्स। ऑलराइट, तो 76.2 सीआर का स्टैंडर्ड वर्जन है, हमने प्रीमियम में इन्वेस्ट किया है। एसपीएम इज प्रैक्टिसिंग द रीसाइक्लिंग, अच्छा ये कभी किया इन्होंने H2 के अंदर, ऑलराइट, तो एक वो भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर ही रहे, तो ये भी कर लेते हैं, तो ये आएगा 77.25 माइनस 0.65, ये आया सिर्फ और सिर्फ ऑन बोर्ड कॉस्ट निकालने के लिए, ये मुझे कितना देता है 76.6 और ये है 76.2, तो सिर्फ प्रीमियम करने के लिए मैंने किया 0.4 cr, ओके। उसके बाद में बताया है SPM is practicing the recycling policy which was formulated around 3 years ago for the scrap it generates in its plant. The review of the recycling policy is pending for the last 12 months. The cost incurred during the fiscal year was 2.75 crores spent in alignment to scrap generated. Very important point. Scrap jitna generate ho raha hai uske hisab se hum log cost incur kar rahe hain. Total mila ke pure saal ka hai 2.75 crores.
The policy document also states zero discharge of waste or scrap into the environment in order to be true sense eco-friendly enterprise. So, इन लोगों का मोटिव क्या है कि हम लोग एनवायरनमेंट में तो स्क्रैप नहीं डालने वाले, वेस्ट हम लोग डिस्चार्ज नहीं करने वाले. इन H2 कंटामिनेशन टेस्ट वॉज परफॉर्म्ड विच कॉस्ट ₹4 lakhs टू SPM. मॉनिटरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 78 lakhs. इन H2 दिस वॉज डबल देन H1. तो H1 का X, H2 का 2X, राइट. टोटल मिला के क्या होना चाहिए, 78 lakhs. कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये आएगा 26, ये आएगा 52. ऑल राइट. और 4 हमें बताया हुआ ही है अलग से सिर्फ H2 का. 2.75 CR को भी हमें स्क्रैप के हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा. सो स्क्रैप दिया हुआ है यहाँ पर एनेक्स के अंदर, इसका टोटल करते हैं. सो ये आता है 29, ये आया 3000 और ये आता है 2000. सो 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा 2.75 क्रॉस को. लेट्स डू इट. तो आया 1.65 और आया 1.1. ऑल राइट. ओके, सो मेजरली कैलकुलेशन हो चुका है. This is in crores, this is in lakhs, this is again in lakhs. Very important to note कि हम लोग कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा वरना. ओके, क्या रिक्वायर्ड है हमारी साइड से. प्रिपेयर द एनवायरमेंटल कॉस्ट स्टेटमेंट एज पर द क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय हैंसन एंड मेंडोजा. ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्लासिफिकेशन, किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है एनवायरमेंटल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर. You should definitely remember that. ठीक है, इसका रीज़न ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं. सो आपको सारे ध्यान होने चाहिए. हैंसन एंड मेंडोजा वाले 4 होते हैं. एक होता है प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर. सबके आगे कॉस्ट और सबके पहले एनवायरमेंटल. ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, याद आना चाहिए इससे. ओके, सो लेट्स बाइफर्केट ऑल ऑफ दोज, लेट्स क्लासिफाई ऑल ऑफ दोज कॉस्ट्स. सबसे पहले ये जो डिस्पोज करने का है, हम लोग को ये तो पता है कि हम लोग बाहर डिस्चार्ज नहीं कर रहे, तो अगर टॉक्सिक मटेरियल जनरेट हो गया उसको डिस्पोज कर रहे हैं तो एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट लग रहा है. सो ये आया इंटरनल फेलियर के अंदर. उसके बाद में डिपार्टमेंटल बजट, क्योंकि हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, जिस मोड एक प्रिवेंशन. ठीक है, उसके बाद में एनवायरमेंटल ऑडिट्स हो रही है तो ये हमें बार बार चेक करने के लिए की जाती है. सो दिस शुड गो इनटू योर अप्रेजल. उसके बाद में ये हमने मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट किया, दिस वॉज टू प्रिवेंट द जनरेशन. तो अगेन प्रिवेंशन. फिर ये 2.75 का कॉस्ट हमने इंकर किया है बिकॉज हम रिसाइकिल कर रहे हैं अपने स्क्रैप को. अगेन इंटरनल फेलियर. 4 lakhs का कंटामिनेशन टेस्ट, अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट, अगेन अप्रेजल. ओके, सो क्लासिफिकेशन कर दिया. अब आपको क्या करना होगा, इस क्लासिफिकेशन और इस कैलकुलेशन के बेसिस पर एक टेबल बनाना होगा जिसमें आप पूरा कॉस्ट स्टेटमेंट बना देंगे. ओके, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप हर एक का परसेंटेज भी निकालें. तो परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं आप, आउट ऑफ द टोटल हर कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है. ऑल राइट, सो H1 H2 अलग अलग बनेगा और इस तरह से आप एक कॉस्ट स्टेटमेंट बना देंगे. हमने क्लासिफिकेशन भी कर दिया है, सो आई एम जस्ट लीविंग द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ इट. उसके बाद में आता है सेकेंड पोर्शन में, एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट एट SPM. तो इसके लिए, इसको एनालाइज करने के लिए मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के आंसर पे जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के टेबल पे जा रहा हूँ, ताकि हमें वहां से एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल जाएगा.
ओके हियर इट इज़। तो सबसे पहले हमने एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाई, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया फॉर प्रिवेंशन। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है डेटा कि माय परसेंटेज टोटल इज 0.68, इधर टोटल भी 0.68 आता है, इधर 12.54 आ रहा है। सो आई हैव डेफिनेटली इंक्रीज्ड माय एक्सपेंडिचर मेनली बिकॉज ऑफ दिस इन प्रिवेंशन कॉस्ट, जिसकी वजह से मेरा जो मोटिव है कि मैं कॉस्ट एनवायरमेंटली कम करते जाऊँ, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कम करना है, इको फ्रेंडली बनना है, उसके लिए मैं प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीज कर रहा हूँ, सो डैट माई इंटरनल फेलियर रिड्यूसेज। एक्सटर्नल तो हमें ज़ीरो रखना ही है। डिटेक्शन कॉस्ट बोला इन्होंने, उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सो जो टोटल परसेंटेज है वो आप देख रहे हो कि दिस इज ऑल्सो इंक्रीज, और रीजन वो ये कि हमें फेलियर कॉस्ट रिड्यूस करना है। लेट्स सी हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमने इंटरनल फेलियर कॉस्ट रिड्यूस किया है। डेफिनेटली धीरे धीरे ये और ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज हमने प्रिवेंशन में बहुत मेजर एक्सपेंडिचर किया है। सो वन थिंग इज दैट ये हम लोग इंश्योर कर पा रहे हैं इससे और इसकी मदद से, क्योंकि हमने प्रिवेंशन अप्रेजल में ऑलरेडी इतना एक्सपेंडिचर किया है। डैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग कि हम लोग एक्सटर्नल फेलियर को ज़ीरो रख सके, और जो उनकी एक इच्छा थी एक्सटर्नल फेलियर को ज़ीरो रखने की वो दिखती है, दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट विथ रिगार्ड्स टू एनवायरमेंटल कॉस्ट्स। ऑलराइट, तो ये एक हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ज़्यादा यहाँ पर दिखने का जो कारण है, ये परसेंटेज इतना बढ़ने का जो कारण है 11.58 की वजह से, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट अवे 40 आ रहा है। अब डेफिनेटली मैंने एक मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उससे जो भी बेनिफिट है वो मुझे ओवर द ईयर्स मिलेगा, बट इसका डेटा हमें पता ही नहीं है कि कितने साल तक वो बेनिफिट मिलने वाला है, वरना हम लोग उस हिसाब से एलोकेशन कर देते। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा कि इसी साल के अंदर पूरा का पूरा बेनिफिट चार्ज करना पड़ा। तो ये जो है बेनिफिट, क्या पूरा का पूरा कॉस्ट चार्ज करना पड़ा। सो ये एक्चुअली एक मैं कहूँगा एक्सेप्शनल फैक्टर है जो कि इस कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है इतना ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा इंक्रीज शायद नहीं दिखता। ऑलराइट, बट लेट्स कंसीडर दैट, इसी तरह से इसको कंसीडर करते हैं। तो ये एक हमारा पूरा एनालिसिस हो जाएगा, वी हैव एनालाइज द स्टेटमेंट्स। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर इंटरलिंक करते हुए दिखाई दे सकती है, जैसे कि दे हैव इंक्रीज द मॉनिटरिंग टू द डबल। ओके, बट इसकी वजह से उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जब शुरुआत में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कंटामिनेशन टेस्ट भी कर रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने एनवायरमेंटल ऑडिट्स भी बढ़ा दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका अल्टीमेटली स्क्रैप कम हो रहा है। ओके, और स्क्रैप कम होने की वजह से डेफिनेटली इनका जो रिसाइकलिंग कॉस्ट है वो कम हो चुका है। ऑलराइट, तो आपका स्क्रैप कम कैसे जनरेट होगा, जब आप ज़्यादा बेहतर तरह से परफॉर्म करोगे, जितना ज़्यादा वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हो उतना ज़्यादा करोगे, सो योर एफिशिएंसी हैज़ टू इंक्रीज, और इसकी वजह से ये मॉनिटरिंग जो है वो आपको और कंटामिनेशन टेस्ट जो है वो हेल्प करता है। उसके अलावा डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, अगेन कंटामिनेशन हेल्प करेगा यहाँ पर, आपको वो रिड्यूस होते हुए दिखाई देता है 20% से। सो कुछ इस तरह से आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, थर्ड पार्ट में हमें इवैल्यूएट करना है कि क्रॉस फंक्शनल टीम सक्सेसफुल है क्या इन सर्विंग देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, सबसे पहले तो इनको ये चाहते थे कि हम लोग एनवायरमेंटल कॉस्ट को इम्प्रूव कर दें, कंट्रोल कर दें एनवायरमेंटल कॉस्ट को, वो इन्होंने किया क्योंकि कम होते हुए दिखाई देती है। राइट, जो टोटल कॉस्ट है एनवायरमेंट की वो कम हो गई है H1 के कंपेरिजन में, H2 में कम हुई है। सेकेंडली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हुआ है क्योंकि इनका जो लास्ट पार्ट है ना इंटरनल फेलियर वाला जो टेबल का, सो इंटरनल फेलियर कम होते हुए दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इम्प्रूव हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इको फ्रेंडली इमेज बनानी है, और उसके लिए लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग वेस्ट स्क्रैप को डिस्चार्ज ना करें इनटू द एनवायरमेंट, और ये लोग नहीं कर रहे हैं। सो अगर ये लोग एक्सटर्नली कुछ भी वेस्ट जनरेट नहीं करके डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डेफिनेटली इनको इको फ्रेंडली माना जाएगा, जो सोसाइटी है जो गवर्नमेंट है वो इनको इको फ्रेंडली मानेगी। ओके, सो उस तरह से दे आर परफॉर्मिंग वेल ऑलरेडी। उसके अलावा इनको यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने सर्टिफिकेशन भी लिया है, तो सर्टिफिकेशन जो लिया है वो भी इनको एक तरह से बताता है कि ये इको फ्रेंडली है। ऑलराइट, सो दिस क्रॉस फंक्शनल टीम इज सक्सेसफुल इन सर्विंग देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फाइनली यहाँ से सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं।
It has been resolved that cellular manufacturing shall be adopted in order to improve productivity. In the recent board meeting of Raptor Bearing and Shaft Limited in favor of the resolution, Mr. Nayak, executive director, who is responsible for production and operation function, gave a briefing over different layouts of cells. The managing director, Mr. Sial, believes that each possible cell formation and layout need to be studied in advance by a cross-functional team. Chief HR officer, Mr. Mishra, shown his concern over the utility of cellular manufacturing. So I don't understand ki HR officer ko cellular manufacturing ke upar bolne ki kya zarurat hai, uska to koi experience hi nahi hota hai na uske bare mein. But anyways, he has shown concern over the utility, ab bola hai aur chief HR officer hai to uski baat sunni padegi. To enhance productivity, in response to him, Mr. Nayak mentioned, although scientific management is quite an old theory of management pronounced by Frederick Winslow Taylor, which analyzes and synthesizes workflows with the objective of improving economic efficiency, especially labor productivity, but still has relevance. This relevance multifolds when time and motion studies are considered in nexus with cellular manufacturing. Mr. Nayak constituted a cross-functional team with the term of reference stated in said board resolution. You are also part of teams as a representative of management accounting division. So hume hamara role yaad rakhna hai, we are a part of this team as a representative of management accounting division. The team started with the study of different possible layouts and machines and designs. While analyzing the production flow, it is observed that five different parts or components, uske naam diye hue hain yahan par, are complexly involved in processing at five different machines. Aur ye naam diye hue hain. Part machine incident matrix for production flow analysis for the said product is given below. तो ये एक matrix दिया हुआ है कि कौन सा part कौन सी machine में process होता है. जैसे P101 M2 में process होता है और M13 में process होता है, P104 M7 में process होता है और M13M में process होता है. उस तरह से हमें एक matrix बना के दिया हुआ है. Okay, so देख के एकदम से डर नहीं जाना है कि ये क्या आ गया, कुछ नया देखने को मिल गया. Interpret करते हैं. Interpretation इनफैक्ट इन्होंने लिखा हुआ भी है. Required. Discuss the concern expressed by Mr. Mishra over the utility of cellular manufacturing. सबसे पहली बात तो cellular manufacturing में हमने जाना है क्योंकि वो lean system का part है और वो है ही इसीलिए कि waste reduce हो सके in terms of time and motion specially. हम लोग cellular manufacturing में अपने cells को कुछ इस तरह से design करते हैं, कुछ इस तरह से arrange करते हैं और machines को arrange करते हैं कि time कम से कम लगे और आपका जो flow है वो बहुत streamline हो जाए जिससे motion भी कम से कम लगेगा. राइट, अगर इंटर सेल मूवमेंट भी होना होगा वन सेल टू अनदर सेल, तो आपका जो अरेंजमेंट होगा सेल्स का भी वो कुछ इस तरह से किया जाएगा कि कम से कम टाइम और कम से कम एफर्ट और मोशन से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाए. तो डेफिनेटली एक तो जो यूटिलिटी हम चाहते हैं सेलर मैन्युफैक्चरिंग की वो निकल के आती है. हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो वो हमें करके देगा. बट जो कंसर्न रेज किया उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं. तो कुछ बेनिफिट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इसके. तो इस आंसर को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग को पहले डिस्क्राइब करेंगे क्या करता है वो, टाइम एंड मोशन को रिड्यूस करता है, किस तरह से करता है, क्योंकि सेल्स का अरेंजमेंट होता है जहाँ पर मशीन की ग्रुपिंग होती है इनटू सेल्स और सेल्स को भी इस तरह से अरेंज किया जाता है कि पूरा फ्लो स्ट्रीमलाइन हो जाए. ओके, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का, देन कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ इट. तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, टाइम इज रिड्यूस्ड, जिससे क्या होगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम इज रिड्यूस्ड. सेकंड, एफिशिएंसी इंक्रीजेस. अगर कोई मशीन है, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था, क्वेश्चन में देखा था कि मशीन 107 10M जो भी बेयरिंग वो था, उसके अंदर बॉटलनेक एक्टिविटी निकल के आ रही थी, हमारे पास में वो रिसोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं था. तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ये इंश्योर करता है क्योंकि कम से कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे हैं. तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ये इंश्योर करता है कि हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए रिसोर्सेज का. उसके अलावा हम लोग यहाँ पर सिंगल पीस फ्लो भी चला सकते हैं.
ठीक है, मैं सिर्फ ये टर्म लिख रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। सिंगल पीस फ्लो भी चला सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि हमारा इन्वेंट्री पाइल अप ना हो। और इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई पॉइंट ध्यान में आता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। एट लास्ट आफ्टर राइटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, आप क्या लिखोगे लास्ट में कि ये जो बोल रहा है कंसर्न एक्सप्रेस किया मिस्टर मिश्रा ने ओवर द यूटिलिटी ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू द पार्ट टू विच इज एक्सप्लेन ऑन यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 मशीन सेल डिजाइन विच कैन बी यूज, तो ये एक नया पॉइंट अपने को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके दिया है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसमें टैग कर लें, स्टार मार्क कर लें, इस पॉइंट को आपको वापस देखना ही है। ओके, सो बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम इस पॉइंट को जितनी ज़्यादा बार देख लेंगे उतना अच्छा होगा। कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ईजी पार्ट है। सो कुछ अरेंजमेंट्स में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले सिंगल मशीन, ठीक है। सिंगल मशीन में क्या होता है कि एक सेल के अंदर एक सिंगल मशीन है और बाकी सारे टास्क मैन्युअली किए जा रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड ही जितनी प्रोसेसिंग करनी होती है। लेट्स से एक सिंगल मशीन से मेरे मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही है तो फिर मैं सिंगल मशीन के थ्रू चल जाऊंगा। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि मल्टीपल मशीन्स है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टर्म, बट मल्टीपल मशीन्स है और आपस में जो बीच में ट्रांसफर हो रहा है इनपुट्स का वो मैन्युअली हो रहा है। ओके, सो मेरा एक मशीन है, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इनपुट फ्रॉम मशीन वन टू मशीन टू, ये हो रहा है मैनुअली, कंप्लीटली मैनुअली होता है। ओके, तो यहां पर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे अगर आप कभी भी चॉकलेट कन्फेक्शनरी फैक्ट्री पे गए होगे तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई छोटी कन्फेक्शनरी फैक्ट्री पे जाओगे तो वो आपको देखने को मिलेगा कि बिफोर गोइंग फॉर द पैकेजिंग वो लोग क्या करते हैं कि वो एक उनका सेल अलग चल रहा होता है जहाँ पर कुछ काम होता है, उसके बाद में फिर वो लोग वहाँ से अलग निकाल कर और अलग ही मशीन के सेल में डालते हैं जहाँ पर उसकी पैकेजिंग स्टार्ट होती है। ओके, आई हैव बीन टू वन और मैंने वहाँ पर वही होते हुए देखा है। प्रोबेबली देयर इज सम अदर वे ऑल्सो फॉर डिफरेंट कंपनीज, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स और जो जिस तरह से अरेंज कर दे, मैंने ये अरेंजमेंट उसमें देखा हुआ है। सो देयर इज मशीन वन, उसके बाद में मैनुअली मशीन टू के ऊपर वो लोग लेके जाते हैं इनपुट को और फिर वो पैकेज हो जाती है वहाँ पर। Then the third way is there is a machine one. Okay, there could be multiple machines. मैं सिर्फ दो का example ले रहा हूँ. And there is machine two. ये क्या है? Conveyor belt है. Conveyor belt क्या होता है अगर किसी को already नहीं पता है, although I would expect कि सबको पता होना चाहिए, but conveyor belt क्या होता है अगर आपने कभी airport पे गए हो और वहाँ पे जो आपका last में लगेज आता है ना, तो वो जिस belt के ऊपर घूमता रहता है उसे conveyor belt कहते हैं। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इनपुट यहाँ से ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। देयर इज फोर्थ अरेंजमेंट जिसमें एक्चुअली मशीन करने की, मशीन बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जितनी भी प्रोसेस हो रही है सब कुछ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो रही है, यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं। ओके, अगर कुछ डेटा फीड इन करना है या फिर कुछ बटन वटन दबाना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली फीडेड है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ रन हो रहा है। सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, मशीन ड्रिवन। ओके, डेट इज फोर्थ पार्ट, इसे कहते हैं ऑटोमेटेड। ओके, तो ये चार तरीके के सेल डिजाइन अपने को बताए हुए। इसका एक बार टर्म देख लेते हैं क्योंकि मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, बट दीज आर द डिजाइन, सो लेट्स लुक एट द टर्म्स। ओके, फर्स्ट इज सिंगल मशीन सेल, सेकंड इज ग्रुप मशीन सेल विथ मैनुअल हैंडलिंग, थर्ड इज ग्रुप मशीन सेल विथ सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग, और लास्ट तो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जहां पर ऑटोमेटेड होता है पूरी तरह से। ओके, सो ये चार अपने को बताए हुए। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर फिर से एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट ने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग टैग कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। इस पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस मैट्रिक्स और हमें रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को यूज करना है
एंड वी हैव टू फाइंड द लॉजिकल पार्ट फैमिलीज एंड मशीन ग्रुप्स बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स. ओके, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाना चाहिए. देर आर सर्टन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इट, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही होगी. अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका पूरा आंसर शुरुआत से ही गलत हो जाएगा. ओके, सो व्हेन आई टेक दिस मैट्रिक्स, मुझे इनको वेट देना होगा सबसे पहले. और वेट कैसे देंगे? इसको देंगे 2 to the power 0. हमेशा 2 की पावर में ही वेट देना है यहाँ पर. ओके, इसको देंगे 2 to the power 0, इसको देंगे 2 to the power 1, इसको देंगे 2 to the power 2, इसको देंगे 2 to the power 3, और इसको देंगे 2 to the power 4. तो यहाँ पर शुरुआत जो होती है वो एंड से होती है. ओके, और हमें शुरुआत तक आना है. अगर इसमें जैसे यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट पार्ट ना हमारे लिए, तो ये क्या हो रहा है, 2 to the power 1 - 1, तभी 2 to the power 0 आया, राइट. ये क्या है मेरे लिए, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द फिफ्थ पार्ट, तो ये हो रहा है 2 to the power 5 - 1. ओके, तो ऐसे अगर n होते तो होता 2 to the power n - 1. ओके, इस तरह से मुझे वेट्स देना है. ऑल राइट, तो मैंने वेट दे दिया. 2 to the power 0 होता है 1, 2 to the power 1 होता है 2, ये होता है 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 16. ऑल राइट, तो मैंने वेट दे दिया. अब मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा. और कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला जो ध्यान रखने वाला स्टेप है वो ये कि हमें स्टार्ट करना है एंड से. एंड से स्टार्ट करके वेट देना शुरू करेंगे और अंदर आते जाएंगे. अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले M2 के लिए कैलकुलेट करते हैं. M2 को देखिए आप कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो वो सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है. उसके बाद में ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, और ये भी ब्लैंक है. इसका वेट क्या है, 16, तो इसका टोटल हो जाएगा 16. ऑल राइट, सिंपल. फिर आता है M7. M7 कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है. ओके, बाकी जगह पे ब्लैंक है. इसका वेट क्या है, 8. इसका वेट है 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 8 + 1 - 9. देन M13 यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है, 16 + 2, ये हो जाएगा 18. फिर this and this, this is 8 and this 4, 8 + 4 = 12. और फिर M15 आता है जो कि सिर्फ यहीं पर आ रहा है, जिसका वेट है 2. तो ये हो गया कैलकुलेशन. अब इसके बेसिस पर रैंकिंग करनी है, तो रैंकिंग कैसे होती है, सबसे बड़े को रैंक 1, सबसे छोटे को लास्ट रैंक. ओके, रैंकिंग हो गई. अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि सर सेम नंबर आ जाते तो कैसे रैंक करते. समझ लीजिए इसका 12 आ रहा है, समझ लीजिए इसका 18 आ रहा है, इसका भी 18 आता अगर, इसका अगर 18 आता, तो सर रैंक किसको करते हैं, तो दोनों में से आपकी मर्जी है, उसको फर्स्ट और सेकंड आप दे सकते हो, ठीक है. देयर इज नो ऑर्डर प्रिस्क्राइब फॉर दैट. उस सिचुएशन में आप अपने अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग दे सकते हो. ओके, तो ये जानने वाली बात थी. अब इस रैंक के हिसाब से हम इन मशीन्स को रीअरेंज कर देंगे, जिसका रैंक 1 वो सबसे ऊपर, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3. ओके, उस तरह से रीअरेंज करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनते हुए दिखाई देगा. अब हमें बार बार इस मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा, तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा, स्पीड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. ओके, सो सिक्स क्रॉस सिक्स है. लेट्स सी इफ आई हैव अ टेबल हियर. आई डू नॉट, तो मैं ऐसे ही बना देता हूं. ओके, ऑल राइट. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने रैंक दिया था M13 को.
फिर रैंक हमने दिया था M2 को, उसके बाद में हमारा रैंक था M13A को, देन वाज M7 एंड देन M15। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग उसी ऑर्डर में चलते हैं अभी, P101, P104, P105, P107 एंड 108। ओके, चलिए अब M13 आता है P101 पे और आता है P107 पे, फिर आता है M2 आता है P101 पे, M13 आता है P104 पे और 105 पे। फिर आता है M7 और वो आता है 104 और 108 पे। देन कम्स योर M15 विच इज ऑन 107। ओके, तो एक मैट्रिक्स बन गया। अब फिर से वेट देने की बारी। अब वेट किसको देंगे? ओके, देखिएगा, तो वेट अब देंगे यहां पर सबसे नीचे वाले को, 2 to the power 0 is equals to 1, फिर 2 to the power 1 ये आ जाएगा 2, 2 to the power 3 2 to the power 2 ये आ जाएगा 4, 2 to the power 3 8 एंड 2 to the power 4 16। ऑल राइट, सेम चीज़ करनी है, कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 16 + 8 = 24, 4 + 2 = 6, दिस इज 4, दिस इज 16 + 1 = 17 एंड दिस इज 2। ओके, तो रैंकिंग कर लेते हैं, दिस इज रैंक 1, रैंक Let's change the color of the rank. Rank 1, rank 2, 3, 4, and ये 2 ही है ना, 5. Okay, great. तो चलिए अब इसको rearrange करना पड़ेगा. So let's rearrange it. सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? P101, उसके बाद में कौन सा आएगा? P107। सो फिर से मैट्रिक्स बनाना है। ओके, बहुत टीडियस प्रोसेस है क्योंकि आपको ये रिपीट करना पड़ेगा बार बार, इंस्टेड ऑफ तो आपको ये ड्रॉ करना होगा, और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको कॉपी पेस्ट करने की। It's a very difficult thing to do. I have never been able to do it correctly. तो मैं आप लोगों के साथ साथ में draw करता हूँ। ओके, तो जो मशीन्स की ऑर्डर है वो तो सेम रहने वाली है। और आपको जो नंबरिंग है अंदर की वो बहुत ध्यान से देनी होगी, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट इज P101, उसके बाद में आता है P107, फिर आता है P104, P105 एंड 108। ओके, अंदर के नंबर को बहुत ध्यान से देखना है। M13 इज बट
P101 and 107. M2 is with P101. M13A is with 104 and 105. उसके बाद में आता है M7 which is with P104 and M15 आता है with P107. Okay? अब कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है. अब इसके अंदर हमें फिर से प्रोसेस रिपीट करना होगा. ऑल दो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली एक सेल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट जब आपको क्लियरली सेल स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं दिख जाए तब तक आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना है. सो यू हैव टू गिव द रैंकिंग अगेन, वापस से आपको वेट देना होगा, वापस से रैंकिंग करनी होगी. तो चलिए करते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, 4, 8 and 16. फिर से कैलकुलेट करेंगे. चलिए करते हैं. सो 24, 16, 6, 4 and 8. ठीक है. सो हमने किया तो पता चल गया ना कि ये ऊपर आना चाहिए था. M15 को ऊपर लाना चाहिए था, M13A और M7 नीचे आएगा. ठीक है. तो जब तक हम लोग वापस से ये रैंकिंग नहीं करते तब तक हमें ये दिखता ही नहीं, अनलेस कि आप डायरेक्टली वो देख पा रहे हो. तो चलिए इसको रीअरेंज करते हैं वापस से. सो ऑल आई एम गोइंग टू डू इज मैं सेम इसी के अंदर चेंजेस करने वाला हूँ अभी. यहाँ पर मैं M15 को डाल रहा हूँ, यहाँ पर 13A को और यहाँ पर M7 को. ओके. और मेरा जो नंबर है वो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये सारे एक एक नीचे आने वाले हैं. आई होप आई एम राइट. ओके. सो कुछ इस तरह से हो जाएगा. सो ये होता है हमारा तैयार. अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक सेल स्ट्रक्चर, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. ऐसा कैसे हो सकता है कि P108 है ही नहीं. सो P108 है यहाँ पर. ओके. सो दैट वी हैड मिस्ड. ये P108 है और ये दूसरा सेल स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ओके. सो दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं. इस तरह से दो सेल बन गए. अब ये दो सेल जो बन गए ना, यही है हमारा पार्ट ग्रुपिंग और मशीन ग्रुपिंग. ठीक है. सो पार्ट फैमिलीज कौन सी मिले हमें, एक तो पार्ट फैमिली है P101 एंड 107 और एक पार्ट फैमिली है P104, 105 एंड 108. ठीक है. कैसे पता चला, एक सेल के अंदर ये तीनों पार्ट्स बन रहे हैं, एक सेल के अंदर ये दोनों पार्ट्स बन रहे हैं. सो वी हैव आइडेंटिफाइड पार्ट फैमिलीज. मशीन ग्रुपिंग्स भी कैसे हो जाएगी, एक सेल के अंदर ये तीन मशीन आ रही है, दिस इज मशीन ग्रुप 1 एंड एक सेल के अंदर ये दोनों आ रही है, सो दिस इज मशीन ग्रुप 2. तो जो आपको करना था ना, यू हैव टू फाइंड द लॉजिकल पार्ट फैमिलीज. तो अपन ने लॉजिकल पार्ट फैमिलीज निकाल ली, ये दोनों की एक और ये तीनों की एक, और उसके बाद में मशीन ग्रुप्स निकालना था तो वो भी हमने कर लिया. ओके. सो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, विच इज़ गिविंग वेट्स, नंबर सही जगह पर प्लॉट हो जाए, क्योंकि कई बार स्पीड में गलत जगह पे हो जाता है. जैसा आपने देखा कि धीरे धीरे करते हुए भी एक नंबर पूरी तरह से स्किप हो गया था. ओके. सो इस तरह से कैलकुलेशन करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि आप सही करें, कुछ गलत होते ही मार्क्स जाने का स्कोप होता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंट विद एक्सपीरियंस इन लीन सिस्टम. ड्यूरिंग डिस्कशन एट मीटिंग मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर गुप्ता एक्सप्लेन द असेंबली लाइन वर्कफ्लो प्रोसेस एट रियो अलॉन्ग विद द मशीन पार्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स. अगेन द सेम थिंग. यू कोटेड अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम
Mr. Gupta asks you to find appropriate cells using suitable method. Suitable method क्या है? Use rank order clustering method. Okay? तो बता दिया गया है, इसी को use करना है वापस से, then we have to comment on the results if any. तो फिर से ये matrix दिया है, इसमें आपको फिर से वही चीज़ करनी है. सबसे पहले इधर weight दे देते हैं. आप किधर कहीं भी आप जिस तरह से वेट देना चाहें, पहले इधर देना चाहें, मशीन्स को देना चाहें या पहले पार्ट्स को देना चाहें, आप दे सकते हैं. सो लेट्स गिव वेट्स टू दीस. ठीक है, सीधे मैं लिख देता हूँ, सीधे 1 2 वैसे ही लिखते हैं. ओके, इसके बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं. ओके, सो नाउ यू हैव टू रीग्रुप द मशीन्स. उसके बाद में फिर आप पार्ट को अरेंज करोगे. उसके बाद में फिर अगर आपको नहीं दिखेगा स्ट्रक्चर सही से, तो वापस से प्रोसेस को रिपीट करोगे. तब तक रिपीट करना है जब तक आपको सही तरह से सेल स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे. ओके, तो मैं आपके साथ में वापस से सेम चीज़ नहीं दोहरा रहा हूँ, आप समझ चुके हो कैसे करना है, एंड दिस विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू. रिजल्ट पे कॉमेंट करना है तो वो हम लोग देखते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू इंस्टीट्यूट्स आंसर. उनका कैसा दिखाई देता है मैट्रिक्स, उसके बेसिस पर हम लोग कॉमेंट करते हैं. ओके, सो फाइनली देयर सेल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस. इसके ऊपर कॉमेंट करना है. तो कॉमेंट क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये एक सेल स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक सेल स्ट्रक्चर बन रहा है, बट देर इज दिस वन पार्ट जो कि बाहर है, यानी कि ये इंटर सेल मूवमेंट बताता है. देर इज वन पार्ट विच इज P4, एंड उसके लिए मशीन यूज करना पड़ता है मुझे MC. और ये जो मशीन है, दिस इज इन माय सेल नंबर 2. ठीक है, तो सेल नंबर 2 के अंदर होने के बावजूद भी P4 तो मुझे प्रोसेस करना ही पड़ेगा, एंड आई हैव टू यूज दिस मशीन. तो ये इंटर सेल मूवमेंट करना पड़ेगा. यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होना है वहाँ से फिर मैं भेजूंगा इस सेल के अंदर और वो प्रोसेसिंग हो जाएगी. ओके, दिस शोज योर इंटर सेल मूवमेंट. तो सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हमें दो इंडिविजुअल सेल्स दिखाई देते हैं, बट टोटली सेल जो सेल है वो कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है. जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीट अलग अलग नहीं है, डिपेंडेंट है, क्योंकि इंटर सेल मूवमेंट है. और उसके अलावा अगर हम इसे एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग, या तो ये वाला जो मशीन है ये सेल 1 के अंदर भी ले आएंगे. ओके, वन थिंग इज दैट, तो एक और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. या फिर हम लोग कुछ इस तरह की मशीन ले लेंगे जिसकी जिसके अंदर हमारा जो एक इंटर सेल मूवमेंट हो रहा है वो एलिमिनेट हो जाए. ओके, सो ये जो P4 को MC का रिक्वायरमेंट होता है ना, और MF का होता है. सो कुछ ऐसा मशीन ले सकते हैं जिसमें इसी एक ही मशीन के अंदर दोनों प्रोसेसिंग कंप्लीट होके और P4 पूरी तरह से बन जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट? तो दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस इंटर सेल मूवमेंट हटाने के. उसके अलावा आप री स्ट्रक्चर कर सकते हो, री इंजीनियर कर सकते हो, वो सब चीज़ें. ओके, सो ये होता है आपका कमेंटिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी. जो कैलकुलेशन करना आएगा, डेटा क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी करंट लेवल की 62.5% है. करंट बैच वेट टाइम बिफोर द ऑर्डर गेटिंग प्रोसेस इज 4 डेज. सो इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के पहले का ही है. टाइम स्पेंड वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोसेसिंग इज 20 डेज. ये है वैल्यू एडिंग. टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोडक्ट्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड मूव्ड इंस्पेक्टेड एंड डिलीवर्ड बैच क्यू टाइम इज 6 डेज. उसके बाद में टाइम स्पेंड ऑन मेकिंग श्योर प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफेक्टिव यानी कि इंस्पेक्शन
इसमें होता है इट इज डबल दैट टाइम स्पेंट इन ट्रांसफरिंग बिटवीन वर्क स्टेशन. तो इंस्पेक्शन और मूव, तो मूव का x है तो इंस्पेक्शन का 2x है. ओके, कुछ तो डेटा दिया हुआ है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेस्ड अपॉन द कमिटीज रिपोर्ट डिसाइडेड टू अप्लाई सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग से कुछ खास प्यार हो गया इंस्टीट्यूट को. मैनेजर्स एंड वर्कर्स शोड देयर रेजिस्टेंस बाय स्टेटिंग वी आर नॉट कन्विंस्ड दैट सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेस मोशंस ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर. सम वर्कर्स इवन मेंशन्ड दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज करंट बैच इंस्पेक्शन टाइम एंड बैच मूव टाइम. तो कैलकुलेट करके देना है सबसे पहले तो. ओके, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं. हमारे पास में ये 20 डेज है, प्लस 6 डेज है, प्लस ये 3x है. ओके, एंड ये टोटल मिला के हमारा टाइम होता है. सो 20 अपॉन 26 प्लस 3x इंटू 100 इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 62.5%. वी जस्ट कैलकुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, उसी का फॉर्मूला लगाया है. ये वैल्यू एडिंग था और ये सब कुछ मिलाकर टोटल टाइम था. तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. तो ये आता है 2 days, ये आता है 4 days. ओके, कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड हाउ मच इज नॉन वैल्यू एडेड टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज. तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल 20 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 32. 32 और नॉन वैल्यू एडिंग कितना है, 32 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 12 डेज. कैलकुलेट रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इफ बोथ बैच इंस्पेक्शन टाइम एंड बैच मूव टाइम कट डाउन टू हाफ, अदर एलिमेंट्स रिमेन कॉन्स्टेंट. तो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 32 था ना, तो 32 में से 6 तो इसका है, वो आधा हो जाने वाला है यानी कि 3. तो 32 माइनस 6 इज 26 और 6 का आधा 3 होता है, 29 इंटू 100 ये आएगा 68.97. ओके, लास्ट पार्ट है, व्हाट मेक्स सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग केपेबल टू रिड्यूस मोशंस ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर एंड हाउ बेनिफिट द वर्कर्स. तो वापस से सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग के एडवांटेजेस और सारा उसका ज्ञान आपको वापस से यहाँ पर लिखना है जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर. रिपीट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, माइक्रो गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड MGIL इज अ रेनाउंड कंपनी फॉर अ यूनिक रेंज ऑफ थॉटफुली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स डिजाइन टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस एंड अपस्केल योर होम इंटीरियर्स. MGIL engaged in the manufacturing of power systems, batteries, wires and cables, switch gears and modular switches, etc. But MGIL is largely famous for its wide range of voltage stabilizers. Each product is manufactured in a separate division. Faltu gyan. While planning regarding voltage stabilizers division for the first half of the fiscal year 2021 amid the outbreak of COVID-19, board get through a report from internal expert committee pertaining to crystal series of voltage stabilizers, which says due to restricted availability of the input factors on account of lockdown by the government, only 40,000 crystal voltage stabilizers is expected to be manufactured and sold during the first half of the fiscal against normal capacity of 75,000 per quarter. That too at rupees 1600 per crystal voltage stabilizers. At normal capacity level, incurs the following cost to manufacture: 575 direct material, 215 direct labor, variable overhead 310, fixed overhead 300. Cost per unit hai 1400. Ye sab kuch single unit ke hisab se bataya hua hai. One of the directors suggested since migrant workers move to their home states and expected to come back in 3 to 5 months time,
Hence, it is better to temporarily discontinue the production for the first half of fiscal. Okay. Another director support him by stating it will give the opportunity to our suppliers or retailers to clear the old stock available with them. दो लोगों की बात की है, एक है employee, जिसमें भी उन्होंने सिर्फ migrant वालों की बात की है, और उनका कहना है कि वो लोग घर जाएंगे 3 से 5 महीने, so discontinue कर देते हैं temporarily. दूसरे लोगों की बात की है, which is our retailers, इनके बारे में बोला है ओल्ड स्टॉक को पहले ये लोग खत्म करेंगे. ऑन द रेफरेंस बाय द बोर्ड यू हु इज अ चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड एन एस्टिमेट टू मैनेजमेंट दैट 1/3 फिक्स्ड ओवरहेड एट अ नॉर्मल कैपेसिटी लेवल इज अनअवॉइडेबल एंड अडिशनल कॉस्ट ड्यू टू डिसकंटिन्यू ऑफ प्लांट फॉर 6 months एंड रिजम्पशन देयर आफ्टर इज 35 lakhs. क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए प्रोडक्शन और शुड वी टेम्प्ररी डिसकंटिन्यू? सो मॉनिटरी एस्पेक्ट से ही कंसिडर करना है. लेट्स कैलकुलेट, दो पार्ट्स है, एक है कंटिन्यू, एक है डिसकंटिन्यू. ओके, सबसे पहले तो कंटिन्यू के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. सो 1600 का मैं सेल कर रहा हूँ, 575 माइनस 215 माइनस एंड 310 माइनस, ओके, दिस विल गिव मी 500. एंड हाउ मेनी यूनिट्स एम आई गोइंग टू सेल? 40,000. यह आता है 200 lakhs, 2 crores. Okay, then I have a cost also, which is my fixed overhead. So fixed overhead कितना आता है? 300 multiplied by 75,000. ये आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट. डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो वी स्टिल हैव टू इनकर सम कॉस्ट, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? एक तो हमें 1/3 अभी भी अनअवॉइडेबल है, तो वो इनकर करना ही होगा. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है हमारा? 2.25 डिवाइडेड बाय 3 इज 0.75, और उसके बाद में आपका 35 lakhs. This is only cost. Okay, so ये होता है. इसके हिसाब से तो हमें continue करना चाहिए. But एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ mistake कर दी. 75,000 per quarter दिया हुआ है, तो fixed cost actually गलत calculate हो गई है. 75,000 should be actually multiplied with 300, जो कि मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, बट उसके बाद मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से. तो ये आएगा 4.5.
तो ये एक्चुअली CR हो जाएगा, 2.5 CR का लॉस इफ आई कंटिन्यू, एंड यहाँ पर भी कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा, ये मेरा आएगा 0.75 का डबल, तो ये आता है 1.5 CR, ये आ जाएगा 1.85 CR. ओके, सो इसके हिसाब से मुझे दिखता है कि आई शुड डिसकंटिन्यू. ठीक है, कंसिडरिंग द मॉनेटरी टर्म्स आई शुड डिसकंटिन्यू. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, द क्वालिटेटिव फैक्टर्स विच नीड टू कंसिडर वाइल डिसाइडिंग ईदर डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू. तो सबसे पहले तो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया, तो गवर्नमेंट के लीगल एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है बंद यानी कि बंद, तो फिर हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते. वन थिंग इज दैट. सेकेंडली हमने कंसिडर किया है माइग्रेंट वर्कर्स को, तो माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा ऐसे भी वर्कर्स होंगे जो माइग्रेट नहीं करते होंगे, उन लोगों का क्या होगा. और उसके अलावा हमने बोला है कि हम लोग रिटेलर्स को मौका देंगे कि वो लोग अपना पुराना स्टॉक क्लियर आउट कर दे, राइट. तो हम लोग अगर लॉकआउट हम लोग यहाँ पर डिसकंटिन्यू करते हैं, वो लोग पुराना स्टॉक क्लियर करेंगे. उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना किसका पुराना स्टॉक अवेलेबल है, तो एक सप्लायर के साथ जो रिलेशनशिप है वो हैम्पर हो सकता है. सिमिलरली उसकी वजह से कस्टमर के साथ भी हो सकता है. यहाँ पर सप्लायर हम लोग रिटेलर को बोल रहे हैं. उसके बाद जो अपना एंड कंज्यूमर एंड यूज़र है प्रोडक्ट का, उसका भी अगर रिक्वायरमेंट आता है, वो खरीदना चाहता है बट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसकी वजह से हमारा जो एक ब्रांड इमेज है वो ख़राब हो जाएगा. सो ऐसे करके आप कुछ पॉइंट्स मेंशन यहाँ पर करोगे. सो मेजर पॉइंट जो मुझे लगता है यहाँ पर मेंशन करने लायक है, एक तो ये दो पॉइंट्स है, उसके अलावा गवर्नमेंट वाला बहुत बड़ा पॉइंट है. बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने बोला लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन, ठीक है, वन थिंग इज दैट. उसके अलावा कब लॉकडाउन हो रहा है, जैसे कि कपड़े वालों को जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फैब्रिक वाले जो होते हैं, उन लोगों के लिए दिवाली का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और दिवाली के टाइम पे जब लॉकडाउन लगाया गया था ना, तो एक्चुअली वो तो दिवाली के जस्ट पहले लगाया गया था, बट उसके और पहले खुला था. अभी अगर लग जाता लॉकडाउन तो फिर उनके लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाता, क्योंकि मार्केट तब अगर बंद होता तो उनका सबसे ज़्यादा सेल ही तब हुआ, और तभी होता है हर साल, तो उसकी वजह से उनको नुकसान देखना पड़ता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कब किस टाइम पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उस वक्त हमारा डिमांड कितना होता है प्रोडक्ट का, अगर सीजनल बिजनेस है तो. ओके, सो ये सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं. उसके अलावा व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ CVS डैट VSD नीड्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इन ऑर्डर टू इकोनॉमिकली जस्टिफाई द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोडक्शन. यानी कि मेरा यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इतना आना चाहिए कि मेरा अल्टीमेटली ये जो कॉस्ट आ रहा है ना, वो 1.85 आ जाए. ओके, सो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन रखना है एक्स, फिक्स कॉस्ट मेरा रहेगा 4.5 CR, और मुझे लॉस चाहिए 1.85 CR का. ओके, तो x आता है 2.65 CR, और एक पे मुझे 500 का है फायदा. तो मेरे यूनिट्स आते हैं 2.65 CR डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू 53,000 यूनिट्स. ओके, दिस इज योर्स. सिंपल था थर्ड पार्ट. तो अच्छा, एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर, इन अ लीगल सेंस लॉकआउट मींस द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम, व्हिच इज वे डिफरेंट फ्रॉम शटडाउन. शटडाउन और लॉकडाउन में फ़र्क है, ऐसा बोल रहे हैं वो. बट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको दोनों को सेम मीनिंग करके ही कैलकुलेशन करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. Zootus Limited is a leading Indian pharmaceutical company, fully integrated global healthcare provider है. उसके बारे में बहुत सारा information दिया है first part में. एक drug के बारे में बोला है, Rifampin antibiotic है, contagious diseases को treat करती है. Contagious disease है TBIS.
रिफेमिन इज अ पेटेंटेड मेडिसिन. पेटेंट क्या है, पेटेंट इज नाउ गोइंग टू एक्सपायर. सेवरल अदर कॉम्पिटिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू एंटर इन द मार्केट. ओके, एंड दे आर गोइंग टू यूज द सेम कंपोनेंट ऑफ केमिकल्स अंडर डिफरेंट अदर नेम. इन ऑर्डर टू रिपोजिशन इटसेल्फ इन द मार्केट, कंपनी इज रिव्यूइंग इट्स प्राइसिंग पॉलिसी, कंसिडरिंग द मार्केट चेंज एंड अदर थ्रेट. मार्केट रिसर्च से क्या पता चला है, फॉर एवरी 4 रुपीज डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 8,000 बैचेस, विथ मैक्सिमम डिमांड बीइंग 1 मिलियन बैचेस. यानी कि प्राइस जीरो तो डिमांड है 1 मिलियन. ईच बैच ऑफ रिफेमिन इज करंटली मेड यूजिंग केमिकल सॉल्ट्स. सॉल्टेक्स 367.50 ग्राम्स एट 0.08 पर ग्राम. सॉल्ट वाई का भी बताया हुआ है. Each batch of RIF-MN requires 30 minutes of machine time to make and the variable running cost for machine time are 40 per hour. यानी कि अपने को 20 लग रहा है. Fixed production overhead cost is expected to be 35 per batch for the period. Fixed production का generally, मतलब जो fixed overhead होता है उसका generally use नहीं होता है. Based on a budget production level of 3 lakh batches, तो वो तो fixed है, उसका use यहाँ पर नहीं है. Skilled workforce who has been working until now are being shifted on to production of Zootis. Okay. Zootis company is new antiviral drug injection for viral disease 19, COVID-19. COVID-19 pe institute ne questions banaye, which costs millions of rupees to develop. Zootis has obtained patent for this revolutionary drug, expected to save millions of lives across world. Launch of this drug is excitedly anticipated all over the world. Demand is unknown. No other similar specific drug exists. Average labor cost जो पड़ रही है ना हर batch की वो 38.6 है. So यहीं पर मैं लिख देता हूँ, 38.6 को भी अपने को साथ में consider करना पड़ेगा for calculation. Management of Zootis considers that pricing decision of RIF-MN should be based on each batch. Calculate optimum selling price for RIF-MN, resulting annual profit. चलिए पहले पार्ट में कैलकुलेशन करते हैं. तो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए. फॉर्मूला इज सबसे पहले P इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू और एम आर इज इक्वल्स टू ए माइनस टू बी क्यू. हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बट जस्ट इन केस अगर नहीं दिया होता है तो आपको याद होना चाहिए. सो लेट्स यूज दीज फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेट. तो सबसे पहले हमें क्या बताया, प्राइस अगर जीरो होगा तो आपका डिमांड कितना होने वाला है, 10 लाख, 1 मिलियन बताया. और बी कितना बताया हुआ है, फॉर एवरी 4 डिक्रीज 8,000 बैचेस से इंक्रीज होगा. ओके, तो आप इससे ए कैलकुलेट कर सकते हो. ये आ गया 500. ओके, अब इसको यूज करते हैं अपने सेकंड इक्वेशन में. अब आपको पता होगा एम आर इज इक्वल टू एम सी पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और एम सी अपने को दिया हुआ है 367.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 या 29.4. 301.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 ये आता है 120.6. ओके, लेट्स एड ऑल ऑफ दीज. Q. अब मुझे क्वांटिटी निकालनी है ना जहां पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. सो ये कैलकुलेशन फिर से आप करते हैं. ओके, सो मेरा क्वांटिटी आया है 291,400. ओके, आई होप माय कैलकुलेशन इज करेक्ट. 291,400 का क्वांटिटी आया. प्राइस निकालना है ना. सो अगेन फर्स्ट फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू
पी इज इक्वल्स टू 500 माइनस बी विच इज 4/8000 इनटू माय क्वांटिटी दैट आई कैलकुलेटेड, तो प्राइस आ जाएगा 354.3. तो ये मेरा फाइनल आंसर आता है. ओके इससे मुझे एनुअल प्रॉफिट भी निकालना है, तो एनुअल प्रॉफिट भी आप निकालिए. 354.3 माइनस 208.6 मल्टीप्लाइड बाय माय क्वांटिटी, जो भी आएगा उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना मत भूलिएगा. ओके 35 पर बैच बेस्ड ऑन 3 लाख बैचेस. तो क्या आ रहे आंसर? सो माय आंसर इज कमिंग टू 3195698 0. ओके सो 3,19,56,980 इज माई एनुअल प्रॉफिट. सेकेंड पार्ट में हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी है फॉर लॉन्चिंग ऑफ न्यू एंटीवायरल ड्रग. तो स्कीमिंग प्राइसिंग रखनी चाहिए, राइट? सिंपल है, वो तो रिवोल्यूशनरी ड्रग लेके आ रहे हैं, मार्केट में ऐसी कोई है नहीं. बट क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड, अब जैसे COVID-19 है और उसकी वैक्सीन आने वाली है, तो डेफिनेटली वो लोग स्कीमिंग प्राइसिंग रखेंगे, बट फिर भी वो रेगुलेटेड होती है ना. सो दिस शुड बी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशन सबसे पहले, उसके बाद में अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो उसके रेगुलेशंस के हिसाब से भी. एंड थर्ड पार्ट इज लुकिंग एट पीपल्स ओपिनियन अगर लेना हो तो, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर ऐसी चीज़ है ना कि कोई बीमारी है उसको ट्रीट कर रहे हैं, बीमारी ऐसी है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल और हम लोग लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर फ़ायदा उठाने के पहले लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की सोचना चाहिए, इसलिए स्किमिंग बट विद दीज 3 आइटम्स. ओके सो ये आपका स्ट्रैटेजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज JIT क्वेश्चन. ये वाला जो क्वेश्चन है फिगर्स चेंज है, बट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम लोग केस स्टडी डाइजेस्ट के साथ में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो दिस इज अ रिपीट. टेंथ क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम JIT. ये वाला जो है ये MTP May 20 का रिपीट है. ओके लास्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ मंथली कंट्रोल रिपोर्ट ऑफ अ CA फर्म शोइंग ग्रॉस कलेक्शन इन ₹1,000. द बजटेड कलेक्शन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च आर 4,14,00,000 इन टोटल. तो एक तो पहला रिपोर्ट है टाइप एक्स, जहाँ पर हमारे पास में एक्टिविटी है, बजट है. मोस्ट रिसेंट फोरकास्ट फॉर द ईयर, एक्सपेक्टेड वेरियंस, तो ये तो फीड फॉरवर्ड है क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने फोरकास्ट के साथ में ही कंपैरिजन करके एक्चुअल्स होने के पहले ही एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि आपका वेरियंस पहले ही रिड्यूस हो जाए. दिस इज योर बजटेड एंड एक्चुअल का, दिस इज योर फीडबैक. करना क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम फॉर बोथ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, फीड फॉरवर्ड फीडबैक, ठीक है? सो यहाँ पर आपका RTP फॉर May 21 का कंप्लीट डिस्कशन खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी प्लीज सब्सक्राइब. अ सब्सक्राइब वुड बी अमेजिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर. यू कैन ऑल्सो मैंशन एनीथिंग इन द कॉमेंट बॉक्स. अगर कोई डाउट आता है तो आप स्क्रीनशॉट्स के साथ में या फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में या तो व्हाट्सएप पर भेजें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए या फिर टाइम लाइन मुझे देते हुए कि इस टाइम पर आपको डाउट है तो थोड़ा सा मेंशन करके कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.